और उत्तर प्रदेश के मुखिया और भाजपा के कार्यकर्ता पुलिस की पीठ थपथपा रहे हैं, तो वहीं नोएडा जिले के एसएसपी के वायरल वीडियो से पुलिस की छवि धूमिल हो रही है। बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के मुखिया द्वारा पुलिस के कामों की सराहना जमकर की जा रही है। वहीं यूपी नोएडा जिले में तैनात एसएसपी का वीडियो जिस तरह से पूरे प्रदेश भर में वायरल हो रहा है और उस वायरल वीडियो में पुलिस की किरकिरी कर रख दी है और कप्तान साहब अपने पद और सत्ता की कुर्सी पर विराजमान होकर निर्दोष पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा लिखा रहे हैं और अपने आप को निर्दोष साबित करने में पूरी मेहनत और लगन के साथ अपने पद का दुरुपयोग करते हुए जुटे हुए हैं। यह भी आम तौर पर दिख रहा है। इसी तरह जिला अलीगढ़ के अंदर भी थाना अकराबाद के कस्बे कोड़ियागंज चौकी इंचार्ज द्वारा कोड़ियागंज के रहने वाले एक युवक से सट्टे का कारोबार कराया जा रहा था। क्षेत्र में सट्टे का कारोबार कर रहे युवक को जब इस बात की जानकारी हुई कि चौकी इंचार्ज कोड़ियागंज को थाना अकराबाद से अटैच कर दिया है, तो युवक ने सट्टे का कारोबार बंद कर दिया। उसी दौरान चौकी इंचार्ज का सट्टा का कारोबार करने वाले युवक के मोबाइल फोन पर कॉल करते हुए युवक से चौकी इंचार्ज ने बात की और सट्टा शुरू करने के लिए दबाव बनाया गया। NDPS ने बंद कर दिया है। अच्छा, पहले सट्टे का काम करता था पुलिस की सह पर, अब उसने बंद कर दिया। तो पुलिस वाले काम चालू कराने आए थे तो उसने मना कर दिया। मेरा एक्सीडेंट होने के बाद वो मेरी दुकान पर बैठता था, उसको थाने बुलाया और NDPS में नशीला पाउडर रखकर उसको बंद कर दिया। कौन से, किसने बंद कर दिया, क्या नाम है? सिपाही दिनेश यादव ने बुलाया था, उसकी रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास मौजूद, और भी रिकॉर्डिंग है जो पुलिस युवा सट्टा कराती थी। तो आप कौन कहता है, क्या नाम है कि सट्टा करो? पुलिस वाले ही कहते थे। क्या नाम है? सिपाही दिनेश यादव द्वारा फोन आता था कि साहब ऐसो अकराबाद बुला रहे हैं तुम्हें, आ जाइए यहाँ पर। वो वहाँ पर थाने गया, थाने में जब वो गया तो उसे नशीला पाउडर रखकर उसे जेल भेज दिया। कब की घटना है ये? 8 दिसंबर। तो आज आप कहाँ पर आए? SSP ऑफिस। क्या क्या है? इन्होंने जांच के आदेश दिए। ये आरोप कुछ लड़के आकर के लगा के गए हैं कि जो है गलत तरीके से एक बिट्टू वाष्णेय है उसको जेल भेज दिया गया है। उसमें SO को भी बुलाया गया था, चौकी प्रभारी को भी बुलाया गया था, उनके द्वारा बताया गया था कि ये वहाँ का सट्टा किंग है और सट्टे में और NDPS में उसको जेल भेजा गया है। इस पूरे प्रकरण की जो जाँच है वो दोनों पुलिस पक्ष को सुनने के बाद और जो लड़के आए थे उनको सुनने के बाद में SPRA को दे दी गई है और 5 दिन में उनसे इस पूरे प्रकरण में रिपोर्ट होगी। सर, कुछ इसका ऑडियो वायरल भी है? हाँ, उन्होंने कुछ दो या तीन ऑडियो बताए थे कि कोई एक कांस्टेबल है जो उससे बात कर रहा है और पुलिस वाले 2 दिन बात कर रहे हैं, उनका नाम भी बताया था, वो भी उसकी एप्लीकेशन में लिखा हुआ है और उनके खिलाफ में भी जो एप्लीकेशन मिली है उस पर पूरे संपूर्ण प्रकरण के जांच के लिए जो है SPRA को नामित किया गया है और 3 से 4 दिन में रिपोर्ट मांगी गई है और यदि किसी भी पुलिस वाले के खिलाफ में रिपोर्ट आती है तो सेल ऑफ कर देगी।